हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एसपी चोपड़ा। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत खड़े हैं, सिंगर गगन सिंह जी। हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड में कई गीत गुनगुनाए हैं। तो आइए, आज इनसे एक मुलाकात हुई है एक मोहाली क्लब में, जो एक बहुत ही म्यूजिकल नाइट यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आइए इस बारे में पूछते हैं गगन सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आज जो ये प्रोग्राम है जी, उसका क्या मकसद है, आप कुछ बताएंगे प्रोग्राम के बारे ये में? ये एक्चुअली FSNM, ये मिठाई वालों की जो एनुअल एसोसिएशन है इंडिया की, आई थिंक इकलौती एसोसिएशन है, उनकी तरफ से प्रोग्राम है। और इसके ऑर्गेनाइजर मिस्टर नीरज बजाज, जो यहाँ पे सिंधी स्वीट्स के ओनर हैं, तो उनकी तरफ से मैं बॉलीवुड से आया हूँ। तो आज आप यहाँ क्या धमाल मचाने जा रहे हैं? देखिए, धमाल भी मचेगा यहाँ पे, हिंदी भी होगा, पंजाबी भी होगा, गुजराती भी होगा, मराठी भी होगा, यूपी बिहार के सॉन्ग्स भी होंगे, क्योंकि ये जो मिठाई वाले लोग हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। ये लोग हमको मिठाइयाँ खिलाते हैं बड़ी स्वादिष्ट। तो यहाँ पे हम आज सब तरह के गाने गाए जाएंगे, जिसमें हिंदी नंबर्स और ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति को यहाँ पे आज दिखाया जाएगा गानों के थ्रू। यानी जो जो कोई फरमाइश करेगा, वो आप उसकी फरमाइश को पूरा करेंगे? बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, जितना मुझे आता है मैं ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल तो हम ये चाहते हैं कि आप दो लाइनें कोई एक प्यारा सा गीत सुनाएं हमारे दर्शकों को। चलिए, मैं आपको एक रफ़ी साहब का एक पुराना गीत सुनाता हूँ, दो लाइनें। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। वाह, मज़ा आ गया। चलो, अब हमने जब ये दो गीत सुनी लिए हैं, तो हम आपसे, दर्शक भी और हम भी, ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये संगीत का सफ़र, गायकी का शुरू किया, तो कब किया आपने? जी, संगीत का सफ़र तो मेरा ग्रेजुएशन से शुरू हुआ, और मैं बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, नूरपुर एक डिस्ट्रिक्ट तहसील है वहाँ से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ग्रेजुएशन में मैंने म्यूज़िक रखा, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने MA MPhil PhD यहीं से किया है। तो पहला जो गीत आपने गाया, वो आपको मौका जो मिला, वो कहाँ मिला? देखिए, यहाँ से मैं गया हूँ माया नगरी मुंबई, तो वहाँ पे मेरे कुछ पहचान के लोग हैं यहाँ से, एक सिंगर हैं मिस्टर UV करके हैं, उनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे जिंगल्स गवाए। फिर मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे, रुपेश वर्मा, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कुछ फिल्म्स में गवाया। फिर एक साबिर अली हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ फिल्म्स में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से सिलसिला बनता गया, और मुझे भेजने वाली भी यहाँ से मेरी गुरु डॉक्टर नीलम पॉल थी, जिन्होंने मुझे मुंबई भेजा। सो इस तरह से सिलसिला बना, अभी तक जारी है। ये सिलसिला तो जो आपने जारी कर दिया, लेकिन आपको जो पहला ब्रेक मिला, वो कौन सी फिल्म में, या कौन सा आपने गीत गुनगुनाया पहला? जी, फिल्म का नाम है छोटू, और इसमें ये रेमेलो प्रोडक्शंस की फिल्म है, मोहन सचदेव ने इस गाने को लिखा है, और मैंने कंपोज भी किया है और गाया भी है, और मेरे साथ म्यूज़िक दिया है मेरे फ्रेंड हैं विकास विश्वकर्मा, उन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है। चलिए, हम यही चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपको आगे भी फिल्मों में गीत आपके आते रहें, और हमारी इस यही शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द ही एक रुपहले पर्दे पर एक धमाल सा गीत लेकर आएं जो सुपर डुपर हिट हो। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील? देखिए, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे संगीत को सुनो, संगीत हर एज में अच्छा होता है, और वक्त के साथ भी चलें, और अच्छे गीतों को सराहें, और संगीत को प्रोत्साहित करें। जैसे ये नीरज बजाज हैं, ये बहुत म्यूज़िकल आदमी है, तो इज ए बिग प्रमोटर फॉर लाइक हमारे लिए जो संगीत से जुड़े लोग हैं, उनके लिए बहुत ये सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। तो इस तरह से संगीत को एंजॉय करें जितना हो सके। तो ये थे हमारे साथ सिंगर गगन सिंह। तो स्वागत करते हैं श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी का, हार्दिक स्वागत। Thank you.
है मत तुमसे।